अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सबको एक नई क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमारी एक्सरसाइज 11 ए कम्प्लीट हो चुकी थी, आज हम अपनी एक्सरसाइज 11 बी की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 294 ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इस एक्सरसाइज के सारे सवाल के अंदर क्या करना है देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, जो ए फिगर है, उसके अंदर एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर आपको एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, एक अननोन साइड दी हुई है और एक साइड की कोई वैल्यू आपको नहीं दी हुई। जैसे कि सवाल नंबर ए में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक तरफ 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक तरफ ए है और एक तरफ कुछ भी नहीं है, और आपके पास दो एंगल्स हैं, एक 90 डिग्री और एक 67 डिग्रीज, ठीक है। तो अब इस सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या हुआ, हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेंज। लेकिन जहन में रखने वाली बात यह है कि इन तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, क्वेश्चन 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, ये तीनों सेम अलाइक। इन तीनों में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, या तो साइन इस्तेमाल होगा, या कॉस इस्तेमाल होगा, या टेंजेंट इस्तेमाल होगा। सवाल ये पैदा होता है कि साइन कब इस्तेमाल होगा, टेंजेंट कब इस्तेमाल होगा और कॉस कब इस्तेमाल होगा। साइन देखें, अभी यहाँ पर मैंने साइन क्यों इस्तेमाल किया है, कॉस और टेंजेंट क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ हाइपोटेन्यूस है और परपेंडिकुलर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस है और परपेंडिकुलर है। अब चूंकि कॉस और टेंजेंट के अंदर बेस शामिल होती है और बेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने उन दोनों को इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया और साइन को इस्तेमाल किया। जिससे क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है, उसी तरीके से डायग्राम को डाइसेक्ट करना है, बेस हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर निकालनी है और उसके बाद साइन का फॉर्मूला लगा के उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या, वो उसी तरीके से दो फिगर्स लिए हुए हैं, दोनों जैसे फिगर पार्ट ए पार्ट बी है, तो पार्ट ए के फिगर को डाइसेक्ट किया, उसकी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस निकाली। पहले भी बताया था, अभी फिर बता देता हूँ, बेस उस साइड को बोलते हैं जिसकी एक तरफ यानी कि एक साइड पे उसके 90 डिग्री का एंगल हो और उसकी दूसरी साइड के ऊपर कोई भी किसी भी मेजरमेंट का एंगल, उसे बेस कहते हैं। किसी भी फिगर में आपने बेस पकड़ ली तो आपके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस निकालना आसान है। बुक के अंदर परपेंडिकुलर को अपोजिट कहा गया है तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपोजिट लिखना चाहें आप अपोजिट लिखें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूस है और बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेंजेंट लगाएंगे, ठीक है। सवाल ये है, अब चूँकि साइन में और टेंजेंट में परपेंडिकुलर इस्तेमाल होता है, सम पीपल हैव टोटली प्रिंटेड ब्लैक, ठीक है ना, हम तो ऐसे याद रखते हैं, तो परपेंडिकुलर इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर साइन और टेंजेंट इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम कॉस से दोनों की वैल्यूज निकालेंगे, फिगर ए की भी, फिगर बी की भी, और बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 सेम अलाइक है, वहाँ पर टेंजेंट इस्तेमाल होगा क्योंकि वहाँ पर साइन और कॉस नहीं लग सकता, ठीक है, वहाँ पर हाइपोटेन्यूस नहीं होगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक नई क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।